चलिए H2O के बारे में पहले पढ़ेंगे कि पानी का एक्चुअली मुझे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर निकालना है। तो देखो स्टार्टिंग में जब मैंने आपको कहा था कि एसिड जो है आयनाइजेशन होती है, ये दो चीज देगा, ठीक है। ये अगर प्योर होगा तो भी ऐसा देगा, लेकिन अगर इसे आप पानी में डाल दोगे CH3COOH तो भी ये आयंस देगा, ठीक है। पानी में डालने से क्या होता है, इसके आयंस इंक्रीज हो जाते हैं, बस ये है। तो प्योर कोई चीज है वो भी आयनाइजेशन कर सकती है, ऐसा होना बेटा सेल्फ आयनाइजेशन कहलाता है, सेल्फ आयनाइजेशन, ठीक है। आपने पानी में डाला वो एक आयनाइजिंग सॉल्वेंट हो गया, तो जो वाटर है वो भी सेल्फ आयनाइज हो सकता है, वो भी प्योर भी आयनाइज हो सकता है। तो बेटा ये है वाटर का आयनाइजेशन, ठीक है। अब जो है मैं जब बेटा 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है उस टाइम के ऊपर वाटर की डेंसिटी, वाटर डेंसिटी ये होती है 1000 ग्राम पर लीटर, ठीक है। मेरे को बेटा वाटर की कंसंट्रेशन चाहिए, ओके। अगर मेरे को वाटर की कंसंट्रेशन चाहिए, अगर मेरी डेंसिटी 1000 ग्राम पर लीटर है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है सर मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है सर, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। नंबर ऑफ मोल्स कितने वाटर के, मुझे H2O की मोलैरिटी चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं सर, इसका जो मास है उस मास के अंदर मोलर मास का डिवाइड कर दो, नीचे सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो है ही, यहाँ पे मास कितना है, मास है सर 1000, मोलर मास होता है बेटे वाटर का 18, और 1 इसका 1 लीटर वॉल्यूम हो गया। इसका कंसेंट्रेशन जब आप कैलकुलेट करोगे तो बेटा वैल्यू आती है 55.55 मोलार, ठीक है। ये 5 5 रिपीटिंग होते हैं, ठीक है। तो मेरे को क्या है, T=0 के ऊपर जैसे ही मैं प्योर वाटर लेके आया अनआयनाइज, मेरे पास उसकी कंसेंट्रेशन आ गई 55.55 मोलर, इनकी 0 0 रहेगी क्योंकि ये अनआयनाइज्ड वाटर है अभी। इसके बाद क्या होगा, T इक्विलिब्रियम के ऊपर इसकी कंसेंट्रेशन 55.55 माइनस x, कुछ इसका पार्ट टूट के H+OH- में गया होगा, तो अगर इसका x टूटता है तो इसका भी XX बनेगा। अब बेटा मैं क्या लिखना चाहता हूँ, के डिसोसिएशन, इसकी क्या वैल्यू होगी बेटा, के डिसोसिएशन मतलब ये जो रिएक्शन चल रहा है इसका के इक्विलिब्रियम, यही के डिसोसिएशन, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी सर H+OH- अपॉन H2O का कंसेंट्रेशन, ठीक है। बेटा H+ की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी X, यहाँ पे X X और H2O की 55.55 माइनस x, ठीक है 55.5, ठीक है। अब जो है एट 25 डिग्री सेल्सियस बेटे x की जो वैल्यू आती है एक्सपेरिमेंटली 10 की पावर -7 आती है, यहाँ पुट कर दो k डिसोसिएशन इक्वल 10 की पावर -7 इनटू 10 की पावर -7 अपॉन बेटा 55 माइनस दिस, ठीक है। अब 10 की पावर -7 कितनी वैल्यू है बेटा, 1/10^7, यानी इसके बाद 7 और 0 आए, ठीक है। तो इसका मतलब ये बहुत छोटी सी वैल्यू आएगी, कोई 0.00007 बार 0 आ रहा हो, 6 बार 0 आ रहा हो, फिर 7 ही वैल्यू 1 आ जाएगा। बट अगर 55.555 ऐसे नंबर के अंदर से आप ये वाला नंबर घटाओगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 55.6 बार 5 और उसके बाद 4, ठीक है। आप ये चीज और ये वाला नंबर इनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब बहुत 6 डिजिट के डेसिमल के बाद जाकर अगर डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब हम इसको एक्स कैसे आए बेटा, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, एक्सपेरिमेंटल डेटा है 25 डिग्री सेल्सियस के लिए निकाल रखा है। हम ये दोनों चीजें यूज करके अभी एक चीज डिराइव करने वाले हैं, ठीक है। ये मैंने बताया कि एट 25 डिग्री सेल्सियस एक्स की वैल्यू 10 की पावर -7 मिलती है,
बेटे यहाँ पे जो है 10^-7 को इस वाले को नेग्लेक्ट कर दें, क्योंकि वैल्यूज इसको घटाने रटना के बाद पड़ेगा सर, भी क्या अरे वैल्यू रटनी पड़ेगी सर एक्स की। नहीं भाई, अभी एक डेरिवेशन के लास्ट में जो चीज आएगी वो चीज रखनी बस। ये तो डेरिवेशन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, नो टेंशन। ये हो गया, यहाँ से बेटा के डिसोसिएशन क्या आ जाएगा, ऊपर तो क्या बन गया 10^-40, नीचे क्या बन गया 55.55, ठीक है, फिर से वही वैल्यू, मैंने उसको नेगलेक्ट कर दिया था। ये चीज बेटा यहाँ चली जाएगी, मेरे पास क्या मिल जाएगा, के डिसोसिएशन इंटू 55.55 इक्वल कितना आ गया बेटा 10^-14। इस चीज को बोलते बेटा KW, KW की वैल्यू कितनी आ गई 10^-14। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने क्या किया है, नीचे वाली वैल्यू उधर लेके गया हूँ, यानी 10^-14 किस चीज के बराबर है, एच प्लस का कंसेंट्रेशन इंटू OH माइनस का कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो देखो KW जो होता है, अभी KW के बारे में बात करते हैं, KW क्या है टेक्निकली, KW इज H प्लस का कंसेंट्रेशन इनटू OH माइनस का कंसेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। इसकी वैल्यू बेटा 10^-14 लेते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स इसकी वैल्यूज के लिए मैंने दो अजम्पशंस लिए थे, एक 4 डिग्री सेल्सियस का मैंने डेंसिटी यूज किया था, और उसके बाद 25 डिग्री सेल्सियस का मैंने क्या यूज किया, एक्स का वैल्यू यूज किया। लेकिन KW बिल्कुल वेरी करता है इन टेम्परेचर्स की वजह से, लेकिन उसका जो वेरिएशन होता है बहुत कम होता है, तो हम मानते हैं कि KW इज 10^-14 एट ऑल दोस टेम्परेचर्स विच वी विल डील इन आयनिक इक्विलिब्रियम। तो KW को क्या बोलते हैं बेटा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है अगर देखोगे तो इसका एक्सप्रेशन है H प्लस इंटू OH माइनस, ठीक है, ये KW है मेरा। ओके ये चीज हो गई, ओके यहां से आयनिक प्रोडक्ट मिल गया। एक और चीज देख लो, इसका अल्फा क्या आएगा, ये जो चीज का डेरिवेशन किया इसका अल्फा देखो क्या आएगा, इसका अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है बेटे खर्च अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन, या तो कंसंट्रेशन ले रहे हैं मोल, बेटे खर्च कितना हुआ, एक्स खर्च हुआ, और सर इनिशियल था 55.55, नीचे आ जाओ, अल्फा इक्वल एक्स अपॉन, अल्फा इक्वल एक्स अपॉन बेटे 55.55, ठीक है। यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, अल्फा इक्वल 10^-7 अपॉन 55.55, क्या ये बात ठीक है। अब बेटा 10^-7, 10^-7 और उसके अंदर इसका मतलब 0.0003 बार 6, मतलब 6 बार 0 डिवाइडेड बाय 55.55, बेटा ये जो वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट जीरो आएगी, ऑलमोस्ट जीरो टाइप की आएगी, इसलिए बेटा अल्फा जो है इसका ऑलमोस्ट जीरो है। इसका ये मतलब है कि पानी का डिसोसिएशन बहुत कम होता है, वाटर डिसोसिएट्स वेरी लेस, ठीक है, ये है इसका कंक्लूजन, इसका कंक्लूजन ये है। और जो ये वाला रिलेशन है ये हमारे काम आने वाला है, ये वाली चीज हमारे काम आएगी, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन, किसी को डाउट हो तो बता देना भाई, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक बेटा रिलेशनशिप बिटवीन KW, KA एंड KB, ठीक है, ये सारी चीज हो गई, ओके ना, ओके ये हुआ। इसके बाद क्या है रिलेशनशिप बिटवीन, अब देखो इसके अंदर सबसे पहले समझना क्या है, KW तो पता है, KW तो पता है कि H प्लस इंटू ओ एच माइनस है, KA क्या है बेटे कोई एसिड है HA, इसका जब डिसोसिएशन होगा तो मुझे क्या मिलेगा H प्लस प्लस A माइनस, ठीक है। ये तो है मेरा KW, इसका जो इक्विलिब्रियम वैल्यू लिखूंगा A माइनस इंटू H प्लस अपॉन H2, ठीक है, K तो ये चीज है, ठीक है, K क्या चीज है, ये चीज हो गई मेरा K। अब जो है KB किस चीज का डिफाइन कर रहा हूँ, KB की अगर बात करोगे तो KB के लिए KB क्या है, इसी का जो कंजुगेट बेस बेस है ना, हाँ KB जो कंजुगेट बेस है उसका ही डिसोसिएशन है, ठीक है। उसका अगर डिसोसिएशन करोगे, मान लीजिए ए माइनस है, उसको आप वाटर के अंदर डालोगे, ठीक है, ये क्या करेगा, ये आपको वापस से एच ए प्लस ओ एच माइनस दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा KB जो आ जाएगा वो आ जाएगा ओ एच माइनस एच ए, इसमें सॉरी एच टू लिख देना ऊपर, यहाँ पे एच ए आएगा, दिस इज एच ए, ठीक है।
चलिए ओ एच माइनस इंटू एच ए, ओ एच माइनस इंटू एच ए डिवाइडेड बाय ए माइनस, ठीक है ओके। एच टू ओ कंसेंट्रेशन कॉन्स्टेंट होता है इसलिए, या फिर लिख लो चाहे एच टू ओ कंसेंट्रेशन में, लेकिन वो फिर के डिसोसिएशन में डाल दें, ठीक है। फाइनल बात यह है के बी क्या होता है इस वाले रिएक्शन का, जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मैं आपको कोई डेरिवेशन नहीं बता रहा, सीधे सीधे बता रहा हूँ कि के डब्ल्यू जो होता है, जिन जिन चीजों के लिए अब मैंने आपको मतलब बता दिया, के ए इंटू के बी, ठीक है ये चीज है, ये रिलेशन है बस, के डब्ल्यू इक्वल के ए इंटू के बी, ये रिलेशन है। इसका डेरिवेशन आप यहाँ से एच टू ओ को ओमिट कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, यही चीज मिल जाएगी। एच टू ओ को इसलिए ओमिट कर रहे हैं क्योंकि इसकी कंसेंट्रेशन कांस्टेंट रहने वाली है, ठीक है, इसके अंदर कोई खास वेरिएशन नहीं होता। तो के डब्ल्यू जो है के ए इंटू के बी आ जाता है, ठीक है, के ए इंटू के बी इज के डब्ल्यू। आपको बस इसका यूज करना पड़ेगा, कैसे यूज करोगे आप, आपके पास क्या होगा, आपको पता है कि के डब्ल्यू क्या होता है, 10 की पावर -40, हो सकता है कभी आपको के की वैल्यू दे रखी हो और आपको के बी की रिक्वायर्ड हो, तो आप इससे निकाल लोगे, ठीक है जी। ये बात हो गई, उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा को डिटरमाइन करते हैं या इफेक्ट करते हैं। पहली तो चीज क्या है बेटा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, स्ट्रांग होगा तो 100% आयनाइजेशन, वीक होगा तो पार्शियल आयनाइजेशन, ठीक है, वीक होगा तो पार्शियल आयनाइजेशन, ओके। इसके बाद दूसरा जो फैक्टर है, दूसरा फैक्टर होता है बेटे नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एक और फैक्टर है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या कहता है कि अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। इस चीज का आपको कोई खास यूज नहीं आने वाला, कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, बस मैंने बता दिया। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप 12th में पढ़ोगे फिजिक्स के अंदर, करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के अंदर, ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका अल्फा। अगर किसी सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है तो फिर उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मुझे ज्यादा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बेटा जो थर्ड पॉइंट आता है दैट इज टेम्परेचर, टेम्परेचर पे भी ये डिपेंड करता है, अल्फा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। फोर्थ क्या है, डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के बारे में मैंने आपको बताया था, डाइल्यूशन क्या है, जब डाइल्यूशन बढ़ेगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ने लग जाता है। उसके बाद बेटा फिफ्थ चीज होती है कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट, इसे मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्वेंट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली करते क्या है, कॉमन आयन इफेक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, वी टेक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एसी, ठीक है, इज मिक्स्ड इन ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट ए बी, इसके अंदर आपने इसको मिक्स किया तो कहता है द अल्फा ऑफ ए बी विल डिक्रीज, ठीक है। अब समझिए होता क्या है कि अगर आपने ए बी का डिसोसिएशन था तो आपको क्या मिलता, ए प्लस प्लस बी माइनस मिलता बेटे, ओके, और इसके लिए कुछ अल्फा की वैल्यू होती। जब आपने इसके अंदर एसी मिक्स कर दिया, एसी बेटे पूरा पूरा डिसोसिएट होता है, एसी पूरा पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा पूरा डिसोसिएट है। व्हेन मिक्स्ड, व्हेन मिक्स्ड द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा फॉर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन ऑफ ए बी डिक्रीजेस, बेटा ये वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है, ये वैल्यू मेरी डिक्रीज कर जाएगी अगर अल्फा मेरा घट रहा होगा, ठीक है, अल्फा घट रहा होगा अगर मैंने कोई और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इसके साथ मिक्स कर दिया। बट इसका नाम कॉमन आयन इफेक्ट क्यों है, इसका नाम कॉमन आयन इफेक्ट इसलिए है क्योंकि मैंने जानबूझ के इसके अंदर स्ट्रॉन्ग और वीक के अंदर एक आयन कॉमन लिया। पांच वाला क्या था,
कॉमन आयन इफेक्ट। ओके, कॉमन आयन इफेक्ट सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि दो सॉल्वेंट्स अगर आप मिक्स कर देते हो तब कॉमन आयन इफेक्ट लगता है, उनका जो है एक आयन कॉमन मिलेगा। आप एक ले स्ट्रॉन्ग और एक ले वीक, तो स्ट्रॉन्ग के लिए तो अल्फा की वैल्यू 1 होती है, वो तो पूरा पूरा डिसोसिएट करेगा, कर जाएगा। अगर आपने ए बी के अंदर मिक्स किया, मान लो शुरू में इसकी वैल्यू 0.5 आ रही थी जब ये अकेला था, तो बाद में क्या होगा, हो सकता है अब आफ्टर आफ्टर मिक्सिंग अल्फा ए बी इक्वल या लेस देन 0.5, आपको 0.5 से कम मिलेगा बेटा अल्फा ए बी, क्योंकि आपने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिक्स कर दिया जिसका एक आयन कॉमन है। ठीक है जी, समझ में आ गया घनश्याम? यस सर। ओके चलिए, फिर बेटा नेक्स्ट टॉपिक है पीएच, पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन। पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन जो है, पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन ये जो वैल्यू है, आपको किसी भी सॉल्यूशन का अगर पीएच निकालना है तो बेटे पीएच का जो फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ लॉग एच प्लस का कंसंट्रेशन, ये वाली जो चीज है ये कहलाती है पीएच। ओके, ये पीएच कहलाता है। और अब इसके बाद क्या है, एक चीज होती है पी ओ एच, वो क्या होता है माइनस लॉग ऑफ ओ एच माइनस, ये बेटे पी ओ एच हो जाता है। ठीक है, पी ओ एच हो गया। अब देखिए एक बस इतना सा बताना है, फिर इतनी क्लास है आज की, क्योंकि सिलेबस मेरा बराबर आ गया है, और फिर आगे 9-10 तक, मतलब 10 बजे तक ना डाउट्स रख लेंगे अगर आपको कोई डाउट है तो। पीएच, इफ पीएच ऑफ ए, एक चीज और देख लो, पीएच और पी ओ एच, पीएच प्लस पी ओ एच, फिर इसकी वैल्यू हमेशा 14 आती है। ठीक है, तो अब देखिए सर किसी भी एसिड बेस के लिए? आपके सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन के अंदर H प्लस की कंसेंट्रेशन मिलेगी। सॉल्यूशन किसी भी चीज का हो सकता है ना, सॉल्यूशन क्या है एसिड प्लस बेस का हो सकता है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है कि आपने बेस ज्यादा ले रखा हो तो उसके अंदर OH माइनस ज्यादा मिलेगा। तो ये चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किसके अंदर क्या मिक्स करने से कैसे पीएच आता है, क्या फॉर्मूला बन सकता है। अभी के लिए तो सिर्फ एक बेसिक सी बात है कि पीएच और पीओएच को जब जोड़ते हैं तो वैल्यू 14 आती है। अगर आपको किसी सॉल्यूशन का पीएच मिल गया, अगर आपको किसी सॉल्यूशन का पीएच मिल गया तो आप जो है उसका, मान लो आपको पीएच मिला है 6, तो आप उसका पीओएच बता सकते हो कि 8 मिलेगा। ठीक है, पीओएच 8 मिलेगा। चलिए अब इसके अंदर क्या है, इफ द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, करे तो एक्सपेरिमेंटली मिली होगी वैल्यू। नहीं, इसको डिराइव कर सकते हैं, इसको डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, बट बिना बात के डेरिवेशन करके क्या करना, आप जो है इसको डिराइव कर सकते हो आराम से, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए इसका जो पीएच है क्या सर, पीएच 6 है। पीएच मानना है कि अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच 6 है तो उसका पीओएच 8 आ जाएगा। समझाया है? ओके सर, शब्दों में समझाया, नंबर लेके। ठीक है, चलिए, इफ पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन बेटा इज लेस देन 7, और जब इसका पीएच लेस देन 7 होगा बेटा इसका पीओएच, ऑब्वियस सी बात है, पीओएच ऑफ सॉल्यूशन, पीओएच ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन 7 बेटा। ऐसा अगर कभी होगा तो सॉल्यूशन इज एसिडिक, सॉल्यूशन इज एसिडिक इफ द पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन 7, और अगर इसकी वैल्यू मोर देन 7 होगी तो पीओएच बेटा आपका पक्का पक्का लेस देन 7 होगा। ठीक है, सॉल्यूशन इज बेसिक। ठीक है, सॉल्यूशन इज बेसिक, एंड एंड इफ पीएच इक्वल पीओएच इक्वल 7, अगर बेटा ऐसा होता है तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, सॉल्यूशन बेटा न्यूट्रल होता है। ठीक है जी, बस इतना आज के लिए है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे ये। अब तक जो सबसे एडवांस